औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं बनाने लगी हूँ सुबह सुबह गोश्त आलू। गोश्त आलू के लिए मैंने गोश्त ले लिया है, 3 पाव होगा, 1 किलो भी नहीं है, 3 पाव गोश्त लिए। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने, 2 मीडियम साइज़ के 2 टमाटर डाले हैं इसमें, और 1.5 मिर्चें डाली हैं चम्मच, टेबल स्पून डाली है मैंने 1.5, और लहसुन के जवे लिए हैं 10 से 12 थे वो वाले, और नमक अभी डालने लगी हूँ, नहीं डाला तो मैं भूल जाती हूँ, मैंने डालनी थी, पूरी वीडियो आपको दिखाना था लेकिन अभी मैंने आपको ऐसे ही बता दिया क्योंकि मैं सारी चीज़ें डाल चुकी हूँ तो मुझे याद आया कि मैंने वीडियो बनानी थी। तो अभी मैं नमक डालने लगी हूँ इसमें, अब नमक डालने लगी हूँ मैं, 1 टेबल स्पून मैं नमक डाल रही हूँ इसमें, और 1 गिलास पानी डाल के देखती हूँ कितना और मुझे डालना है। थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, मिर्चें मैंने डाल दी हैं, 1/2 टीस्पून डालने लगी हूँ हल्दी। हल्दी हमने ये मैंने मिर्चें मसाला बनाया था तो इसमें थोड़ी हल्दी कम पड़ गई थी तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा डाल देती हूँ थोड़ी सी बाद में। इतना ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि गोश्त बहुत ज़्यादा गल जाएगा, थोड़ा सी थोड़ी देर ही पकाना है। और आज सालन बिल्कुल नहीं है, रात को हमने राजमा चावल बनाए थे तो बच्चा ही नहीं है, मेहमान आ गए थे रात को। तो अभी मेरा बेटा काम पे जाएगा, 2 बेटों को तो छुट्टी है और 1 अभी जाएगा, 8 बजे जाएगा तो उसने आना है, फिर शाम को आना है तो वो खाना साथ लेके जाएगा। 6 बजे हैं सुबह के, 6:03 हुए, बस अब मैं प्रेशर का ढक्कन लगा दूंगी प्रेशर कुकर का। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दिया है, 5 मिनट तो लगेंगे इसको सीटी आने में, तो उसके बाद मैंने 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि गोश्त ज़्यादा गल जाता है। ये मैं बना रही हूँ बकरे का गोश्त, गोट बना रही हूँ, तो चले मिलते हैं 15 मिनट के बाद आपसे फिर दोबारा। प्रेशर कुकर का मैंने ढक्कन उतार दिया, मतलब बंद कर दिया प्रेशर कुकर का, अभी पानी है थोड़ा सा अभी है, थोड़ा गोश्त में भी थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सख्त है, तो तब तक जब तक ये पानी सूखता है तो गोश्त भी गल जाएगा इसमें पर, मतलब अब दोबारा ढक्कन लगा के नहीं चलाऊँगी, ज़्यादा गल जाएगा गोश्त। आलू मैंने काट के रखे हैं, 2 आलू लिए थे, पानी सूखेगा फिर इसको भून के अच्छी तरह फिर इसमें आलू डालूंगी। सुबह सुबह आपको बाहर का मंजर दिखा रही हूँ, देखिए कितने अच्छे फूल निकले हुए, बड़ी अच्छी खुशबू है इनकी। हमने इतना सारा पुदीना लगाया हुआ है, हम लोग घर का पुदीना ही डालते हैं चटनी में, हरी मिर्चें घर की हैं, धनिया घर का लगाया हुआ है मैंने, लहसुन लगाया हुआ है ग्रीन वाला लहसुन, तो काफ़ी सारी चीज़ें घर की हम लोग बस लगा लेते हैं। हर चीज़ मिल जाती है अमेरिका में, ये नहीं कि नहीं मिलती, लेकिन अपने जो ये देखें बीच में कितना पुदीना हमने लगाया हुआ है, घास आ जाती है बीच में, काटते ही रहते हैं लेकिन फिर भी उसी तरह है। ये हमारे हमसाए हैं गोरे हैं ये लोग, इस तरफ से भी हमारी डोर है बाहर निकलने की। घास में ना घास गीली है, पानी है इसमें, रात को ठंड हो जाती है थोड़ा मौसम चेंज हो जाता है। ये देख लें हमने कितनी बड़ी बड़ी रखी हुई है, हम लोग कुर्बानी देते हैं ईद पे तो ये हमें कहीं से लानी नहीं पड़ती, घर की हो जाती है। इसने मैंने टायर में पौधे लगाए, 2-3 दफ़ा लगाए हैं लेकिन पता नहीं क्या होता है कि इसमें सड़ जाते हैं, नहीं लग रहे इसमें ना, तो ये सिर्फ 1 टमाटर का ही निकला है, मैंने हरी मिर्चों के लगाए हैं, पुदीना लगाया, काफ़ी चीज़ें लगाई हैं, सारी सड़ गई। ये मैंने खीरे की बेल लगाई थी 2, ये भी पता नहीं क्या चीज़ है, इधर कोई कीड़ा है क्या, ये खा जाता है ऊपर से, तो इसलिए हमने उस तरफ फ्रंट साइड पर ही मैंने गमलों में इस दफ़ा लगाई हैं चीज़ें जो भी हैं। पानी चलें देखते हैं, गोश में से सूखा है अभी नहीं, मैं ढक्कन उतार के ऊपर प्लेट रखी हुई है,
बच्चे लोग सो रहे हैं, जो घर पे हैं सब लोग सो रहे हैं। तो मैं सुबह उठती हूँ नमाज के लिए, फिर इधर ही लेट जाती हूँ सोफे पर। एक बेटा मेरा रात को गया हुआ था वहां पर, अभी आएगा सुबह 8 बजे। पता नहीं किसकी बिल्ली है ये, गले में पट्टा भी है इसके। विश, विश। जो तो डर लगता है बिल्लियों से। ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ पौधे बिल्कुल ठीक है हमारे। बैंगन के देखें कितने बड़े बड़े हो गए हैं बैंगन। सब लोग सो रहे हैं, आज संडे का दिन है तो सब लोग लेट उठते हैं। पता नहीं किसकी बिल्ली है, ये इधर आ गई है। सुबह उठी थी 3:30 बजे, रोज़ा रखना था मैंने, क्योंकि 4:17 पे रोज़ा वो बंद अजान हो जाती है, तो थोड़ा जल्दी उठी थी। आज मेरा रोज़ा है, अभी बस ये बना के तो फिर मैं थोड़ी देर लेटूंगी। वो मेरी उठेगी फिर वो रोटी बनाएगी, वो नाश्ता बनाएगी। वो आँख लग गई मेरी वहाँ पे लेटे लेटे, एकदम उठी हूँ, मैंने कहा जल लग गया होगा, शुक्र है। गोश्त अब सही है, थोड़ा पानी सूखे, अभी भी पानी था। आँख तेज करूँगी चूल्हे को, बहुत सख्त नींद आ रही है। 3:30 की रात को भी 12 हो गए हैं सोते हुए। पोतियाँ मेरी आती हैं तो फिर वो लेट सोती हैं, टीवी देखती हैं, रात को उनके साथ ही बैठी रहती हूँ मैं भी। फिर तो वैसे हम लोग 10 बजे चले जाते हैं अपने अपने कमरों में सोने के लिए। कसूरी मेथी डाल दी है थोड़ी सी, पानी सूख कर फिर मैं घी डाल के भूनती हूँ उसको सालन। मैं डालने लगी हूँ ऑयल इसमें, बहुत सख्त नींद आ रही है मुझे। इसको भूनेंगे थोड़ी देर। गोश्त को भून रही हूँ मैं, पानी सूख गया अच्छी तरह। 5 मिनट भूनूंगी, 5 से 6 मिनट, फिर इसमें मैं डाल दूंगी पानी। पानी को उबाल आएगा फिर आलू डालूंगी। हमारा थोड़ा डिफरेंट तरीका पकाने का। देखिए माशाल्लाह, गोश्त भुन गया। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ पानी। मसाले वगैरह तो सब कुछ मैंने साथ ही डाल दिया था, गरम मसाला पिसा हुआ डाला था बाद में, थोड़ा सा साथ ही डाला। इसमें लाइट खाना, मैं पानी इसमें ऐड करने लगी हूँ। गर्म पानी है कैटल में, मैंने गर्म कर लिया ताकि जल्दी हो जाए। 7 बज गए, देखिए जल्दी उबाला आ गया। तो मैं कैटल में गर्म कर लेती हूँ पानी, तो इससे जल्दी हो जाती है खाने में, ज़रा आसानी होती है। ठंडा पानी डालो तो फिर बड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा और डालूँगी क्योंकि आलू भी डालने हैं अभी गलने के लिए। मैं देखिए अभी भी सालन अच्छा है, गाढ़ा है। देखिए लगी हूँ आलू इसमें, उबाल तो आ गए इसको।
पानी कैटल में मैंने गर्म कर लिया था, ये आसानी होती है जल्दी बनाना और खाना। तो थोड़ी देर अब इसको ढक देंगे, 5 से 6 मिनट पर बनाऊंगी। आलू थोड़े थोड़े गलेंगे तो बस बंद कर दूंगी, तैयार हो गया। फिर घर का धनिया ये देखें, थोड़ा सा तोड़ के लाई हूँ डालने के लिए। हम सब तो जा रहे हैं आज, सिर्फ मेरे दो बेटे घर पे होंगे, मियाँ घर पे होगा, इसलिए सालन बना दिया सुबह, उनके लिए भी हो जाएगा। साथ चावल बना के जाऊंगी, चने के वाइट चने रात को भिगो दिए थे मैंने, ये देखिए। धनिया डाल दिया काट के मैंने, थोड़ी देर और पकाएंगे इसको, बस फिर तैयार हो गया। थोड़ी सी हरी मिर्चें तोड़ने आई हूँ मैं, ये देखें। आज थोड़े से मिर्चों के पौधे लगाने हैं इस जगह मैंने, टमाटरों के देखे माशाल्लाह कितने अच्छे हो गए। बैंगन की, ये भी बैंगन का है, ये भी है, और ये भी है, देखें बैंगन का। ये 4 पौधे लगाए हैं मैंने बैंगन के, और ये देखें हरी मिर्चें, ये तोड़ने आई हूँ। हरी मिर्चें ख़त्म हुई भी हैं, तो धनिया भी ख़त्म हुआ हुआ था, तो थोड़ा सा घर से ही डाला है तोड़ के। थोड़ी सी हरी मिर्चें डालूंगी साबुत, इसके साथ अभी थोड़ी सी लगी हैं, 2-3 ही लगी हुई हैं, ये वाली ग्रीन है। काफ़ी गर्मी है, गर्मी की वजह से पीली हो गई हैं। तो चटनी वटनी हम बनाते हैं तो इधर से मैं डालती हूँ, और ये देखें लहसुन का हम ये भी डालते हैं दाल में तड़का लगाने के लिए, लहसुन की। धनिया को बीज आ गए हैं इसको, तो ये डाल रही हूँ हरी मिर्चें, धो ली हैं मैंने, साबुत ही डालनी थी मैंने ये। अभी आलू कच्चे हैं, थोड़ी देर और रखूंगी इसको, फिर बस बन गया सालन तैयार। गोश्त आलू हमारे तैयार हो गए हैं माशाल्लाह, देखें। अब मैं डिश आउट करने लगी हूँ इसको, बिस्मिल्लाह। चूल्हा बंद करने लगी हुई है, बाकी की अदरक में डालने लगी हूँ इसमें सालन में। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।